हेलो एवरीवन माय नेम इज मोशमी दास वेलकम टू स्टडी विज आर्ट सी बच्चों आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास एट्थ एनसीआर मैथ्स के चैप्टर फाइव स्क्वेयर्स एंड स्क्वायर रूट्स का थर्ड एक्सरसाइज एक्सरसाइज 5.3 बच्चों ये जो एक्सरसाइज है ये थोड़ा बड़ा एक्सरसाइज है और हर क्वेश्चन को हमें अच्छे से समझना है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इसीलिए इस एक्सरसाइज को हम ब्रेक करके करेंगे आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर वन से लेकर थ्री तक करने वाले हैं देन ग्रेजुअली हम इस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और ये एक्सरसाइज जैसे कि मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है तो सारे क्वेश्चन ध्यान से देखना ओके okay, चलो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर वन के साथ बट यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब इट और यदि वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब तो करना बनता ही है है ना और वीडियोस यदि अच्छे लगे तो लाइक like भी करना चलो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर वन के साथ क्वेश्चन नंबर वन में देखो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर वन में बोला है वॉट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट्स ऑफ द स्क्वेयर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स तो यहाँ हमें बोला है कि ये जो नंबर दिए हैं इनका स्क्वायर रूट करने पर यूनिट प्लेस की क्या डिजिट मिलेगी अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ स्क्वायर रूट करना है है ना यहाँ पे हमें स्क्वायरिंग एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 हमारा रिलेटेड था स्क्वायरिंग ऑफ अ नंबर से वहां पे हम किसी नंबर को स्क्वायर करते थे तो हम देखते थे कि क्या आंसर आ रहा है पॉसिबल आंसर है ना यहाँ इसका जस्ट अपोजिट स्क्वायर स्क्वायर रूट रूट का मैंने सिंबल क्या बताया था कुछ इस तरह से हम स्क्वायर रूट का सिंबल बनाते हैं राइट स्क्वायर स्क्वायर रूट का जस्ट होता है मतलब यदि हम टू का स्क्वायर करते थे तो हमें मिलता था है हाँ ना आप फोर को स्क्वायर रूट करोगे तो आपको आंसर में टू मिलेगा क्यों क्योंकि स्क्वायर रूट से दो नंबर का एक नंबर बाहर आता है नंबर्स पेयर में जो रहते हैं वही स्क्वायर रूट से बाहर आते हैं यदि इनकेस हमारा यदि रहता एक एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं यदि हमारे पास स्क्वायर रूट में तीन टूज़ रहते ठीक, तो यहाँ से दो टू तो बाहर आ जाते स्क्वायर रूट के क्योंकि दो का एक बाहर निकलता है और बेचारा एक टू जो है वो अकेला अंदर जो है वो अंडर रूट के अंदर ही रह जाता तो स्क्वायर रूट से बाहर आने के लिए पैर में नंबर होने जरूरी है ना, तो फोर फोर टू इंटू टू होता है टू इंटू टू दो बार लिखा उसका एक बाहर निकल गया वैसे ही थ्री स्क्वायर क्या होता है नाइन होता है और नाइन का अंडर रूट आप यदि करोगे तो आपको क्या मिलेगा थ्री मिलेगा दो थ्री दो थ्री का एक थ्री बाहर निकल जाएगा है ना फोर का स्क्वायर सिक्सटीन होता है सिक्सटीन का उल्टा सिक्सटीन का अंडर रूट करोगे तो आपको आंसर में फोर मिल जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए भी सेम हमें क्या देखना है यूनिट प्लेस के डिजिट देखनी है और हमें पता लगाना है कि यदि अंडर रूट नाइन एट जीरो नंबर का अंडर रूट करना है और उसके यूनिट uh, प्लेस uh, में वन होता है तो पॉसिबल आंसर्स क्या हो सकते हैं तो इसको समझने और अच्छे से समझने के लिए हम एक टेबल देख लेते हैं हमने लास्ट प्रीवियस सेशन में भी ये टेबल देखा हुआ है देखो ये टेबल यहाँ ध्यान से अभी वन का स्क्वायर वन होता है टू का स्क्वायर फोर होता है इसका जस्ट अपोजिट देखना है हमें अंडर रूट फोर टू होता है अंडर रूट नाइन करेंगे तो थ्री होगा अंडर रूट सिक्सटीन करेंगे तो फोर होगा इसी तरह से अंडर रूट एटी वन करेंगे तो क्या होगा आंसर नाइन होगा यहाँ पे ध्यान से हम यूनिट डिजिट को देखेंगे फर्स्ट वाला मैं लिखती हूँ फर्स्ट वाला हमें ऑफ करना है हमें देखना है यूनिट प्लेस की डिजिट। तो ध्यान से इस वाली रो को आप देखो यहाँ वन आ रहा है ना और यूनिट प्लेस का वन यहाँ पे भी आ रहा है तो देखो इस नंबर को जब हम अंडर रूट करेंगे तो पॉसिबल वैल्यूज हमें क्या मिल सकती है वन मिल सकती है या हो सकता है कि हमारा नाइन हो यूनिट प्लेस में नाइन भी यदि होगा तो नाइन नाइन से क्या हो जाएगा एटी वन तो यूनिट प्लेस में हमें क्या मिलेगा इसको स्क्वायर करेंगे तो वन मिलेगा तो इस टेबल को अच्छे से दिमाग में याद रखना है और हमें इसका आंसर चुटकियों में मिल जाना है कुछ चीजें हमें बस याद रखनी है जैसे यहाँ पे आप पॉसिबल वैल्यू ऑफ ऑफ यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ नाइन एट जीरो वन क्या मिल जाएगा एक वन मिल जाएगा और एक नाइन भी हो सकता है है ना नाइन भी आंसर में होगा तो यहां पे हम सॉल्व में आंसर में क्या लिखेंगे आंसर में हम सिंपली लिख देंगे पॉसिबल पॉसिबल वंस डिजिट वंस डिजिट ऑफ द रूट ऑफ नाइन एट जीरो वन कैन बी अच्छा जरूरी नहीं है कि नाइन ही होगा या वन होगा नाइन भी हो सकता है वन भी हो सकता है इसलिए हम कैन भी लिखेंगे या मे भी लिख सकते हो मे भी या कैन बी वन और नाइन या फिर नाइन हो सकता है यूनिट प्लेस में या फिर वन हो सकता है नाइन नाइन सा एटी वन होता है तो वन लास्ट में आ सकता है ना सिमिलरली सेकेंड वाले के में भी हम क्या देखेंगे यूनिट प्लेस देखेंगे अंडर रूट ऑफ नाइन नाइन एट फाइव सिक्स यूनिट प्लेस में क्या है सिक्स है अब यहाँ पे हम देखेंगे इस लिस्ट में सिक्स पीछे कहाँ आता है देखो फोर का स्क्वायर करने पर सिक्सटीन मिलता है सिक्सटीन के लास्ट में सिक्स तो एक वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी पॉसिबल वैल्यू फोर हो सकती है राइट दूसरी वैल्यू हमारी क्या हो सकती है देखो एक और सिक्स यहां आ रहा है सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स होता है तो दूसरा और करके हम क्या लिख सकते हैं सिक्स भी हो सकती है और कहीं सिक्स मिल रहा है क्या हमें नहीं और कहीं सिक्स नहीं मिल रहा तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वंस यूनिट डिजिट क्या हो सकता है फोर या सिक्स हो सकता है तो सेम यही आंसर लिख देंगे हम यहाँ पे आंसर में क्या लिख देंगे पॉसिबल वंस डिजिट डिजिट अच्छा इसको यहां से रेस करते हैं डिजिट स्क्वेर रूट ऑफ नाइन नाइन एट फाइव सिक्स विल बी विल बी वॉट या विल बी नहीं कैन बी दोनों में से कोई भी हो सकता है ना कैन बी फोर और सिक्स फोर और सिक्स इजी तो है ये क्वेश्चन थोड़ा सा बस यूनिट डिजिट को देखना है यहाँ पे भी अगेन वन दिया हुआ है तो सेम यही आंसर आ जाएगा हमारा पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है इधर वन हो सकता है या नाइन हो सकता है ना और लास्ट वाला हमारा देखो यूनिट प्लेस में फाइव है तो फाइव की पॉसिबल वैल्यूज कहा हो जाएगी देखो 25 है 25 का यूनिट प्लेस का डिजिट 5 है तो 5 कैन बी द पॉसिबल वैल्यू हियर और सिर्फ 5 ही है तो यहाँ पे फाइनल आंसर में फोर्थ वाला थर्ड वाला तो सेम है आपका फोर्थ वाले में हमको तो आंसर में क्या लिख देना है फोर्थ वाले में हम आंसर में लिखेंगे पॉसिबल वंस वंस डिजिट लिखो चाहे यूनिट डिजिट लिखो वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट को आप वर्ड्स में भी लिख सकते हो या साइन लगा के भी लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 6, 5, 7, 6, 6, 0, 2, देखो कितनी भी बड़ी वैल्यू हो हम यूनिट टेबल तो को देखकर है ना ठीक तो हमें ये क्वेश्चन का आंसर लिखना है बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था ओनली वी नीड टू नो द टेबल है ना टेबल को देख के ही हमको आंसर मिल जाना यूनिट प्लेस को देखकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन

पूरा लिख लू मैं ऑड लास्ट में वन टू यदि हो, last में, one, uh, two हो one तो हो सकता है ना एटी वन होता है नाइन नाइन सा अच्छा टू यदि एंड में हो या थ्री एंड में हो या फिर आपका uh, क्या सेवन एंड में हो या एट एंड में हो तो ये नंबर्स यदि आपके किसी नंबर के लास्ट uh, में ये डिजिट्स यदि आपके किसी नंबर के यूनिट प्लेस में आ रहे हैं तो वो पक्का है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता ठीक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए कौन कौन से नंबर्स चाहिए इधर वन हो एंड में इवन और इवन हो मतलब दो जीरो

ये नंबर यदि यूनिट प्लेस में आ रहे हैं तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा ठीक और ये नंबर्स यदि आ रहे हैं तो श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर ठीक तो बस यही वाली हमारी आ, यही थीम हमें यूज करनी है तो यहां पे हम सॉल्व में क्या लिख देंगे सॉल्व स्टार्ट करेंगे तो पहले ही हम लिख देंगे नंबर्स विच एंड नंबर्स यूनिट डिजिट यूनिट प्लेस डिजिट डिजिट थोड़ा सा अलग कर देते हैं है ना यूनिट प्लेस डिजिट एज ऑड जीरो ऑड जीरो थ्री कॉमा फाइव सॉरी फाइव तो नहीं हो सकता कॉमा सेवन एंड एट Numbers whose unit place digit is the, is oh, odd zero, two, three, seven, and eight cannot be be can not be a perfect square. perfect square square बस इतना हमको मालूम होना चाहिए अब बस आंसर लिखना बहुत ईजी है first वाला क्या है हमारा first वाला हमारा है फर्स्ट वाला हमारा है One hundred and fifty three simply gallicing is since the the unit digit digit is three hence yeah therefore we will accept you up hence the number hence one fifty three cannot be cannot be. a perfect square. Perfect square. square. ठीक हो ही नहीं सकता ठीक सिमिलरली नेक्स्ट सेकेंड वाला देखो second वाला हो सकता है क्या 257 है एंड किससे हो रहा है सेवन यूनिट प्लेस में सेवन है तो अगेन इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर तो सिंपली हम ऊपर वाली सेंटेंस लिखेंगे और लिख देंगे इट कैन नॉट बी इट कैन पूरा लिखना पड़ेगा सिंस इट एंड्स विद द unit digit unit digit is 3 no 7 eight. unit digit is 7 hence hence 257 cannot cannot be a perfect square perfect square इसी तरह से नेक्स्ट वाला देखें नेक्स्ट वाला हमारा एट से एंड कर रहा है तो सेम वही चीज लिखेंगे सिंस यूनिट प्लेस इज ए यूनिट डिजिट इज एट फोर हंड्रेड एट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर और लास्ट वाला देखो लास्ट वाला लिखते हैं लास्ट वाला हमारा क्या है थर्ड वाला फोर हंड्रेड फोर्टी वन है और फोर हंड्रेड फोर्टी वन में लास्ट में देखो क्या है वन है और वन से यदि एंड हो रहा है तो इट मे बी इट कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर ये ट्वेंटी वन का परफेक्ट स्क्वायर होता है करके देखना ठीक सिंस फोर हंड्रेड फोर्टी वन सिंस द यूनिट डिजिट इज वन फोर हंड्रेड फोर्टी वन कैन बी अ कैन can be a perfect square. Perfect square. Number. Square number लिखो चाहे number square लिख दो. ठीक. Easy. इस तरह से इस क्वेश्चन के आंसर को हमको लिखना है आ, बहुत इजी क्वेश्चन था है ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट uh, क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है है ना तो ध्यान से देखना फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ऑफ एंड बाय मेथड रिपीटेड देखो इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने तीनों मेथड देखे थे रिपीटेड सब्ट्रेक्शन वाला मेथड देखा था देन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखा था और डिविजन uh, मेथड भी देखा था है ना तो तीनों मेथड हम देखेंगे इस चैप्टर uh, में भी इस एक्सरसाइज में भी सॉरी फर्स्ट uh, वाला हमारा जो इस क्वेश्चन में यूज करना है वो क्या है रिपीटेड सब्ट्रेक्शन मेथड तो चलो देखते हैं हंड्रेड का हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं फर्स्ट वाला देखो तो हम स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट वाला हंड्रेड है तो सबसे पहले हमको क्या करना रहता है कुछ नहीं ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते जाना पड़ता है और स्टेप्स काउंट करने पड़ते हैं फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे हंड्रेड माइनस वन सबसे पहला वॉर्ड नंबर क्या होता है वन होता है इसका आंसर हमें क्या मिलेगा नाइनटी नाइन मिलेगा सेकेंड वाला स्टेप में हम सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे नाइन्टी नाइन आंसर मिला इसमें से नेक्स्ट ऑर्ड नंबर को पहला वॉर्ड नंबर वन था दूसरा ऑर्ड नंबर हमारा थ्री उसके बाद फाइव माइनस करेंगे उसके बाद सेवन तो सक्सेसिव नंबर्स को हमें जो भी आंसर आ रहा है उसमें माइनस करते जाना है तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा आंसर नाइनटी सिक्स नाइनटी नाइन माइनस थ्री कितना होता है नाइन्टी सिक्स तो यहाँ पे हमें आंसर में क्या मिला पहले यहाँ लिख लेते हैं नाइन्टी सिक्स मिला है माइनस करेंगे के बाद कौन सा ऑर्ड नंबर होता है फाइव होता है तो यहाँ पे फाइव माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा नाइनटी वन मिल जाएगा फिर फोर्थ स्टेप में हमको क्या करना है 91 वन मिल चुका है 91 वन में से अब हमको क्या माइनस करना है फाइव के बाद कौन सा ऑड नंबर सेवन होता है तो सेवन को माइनस करेंगे एट नाइन टेन इलेवन यहाँ पे 84 फोर मिल जाएगा हमें राइट देन अगेन फिफ्थ स्टेप में एट्टी फोर मिल चुका है हमें इसमें से माइनस करेंगे सेवन के बाद वाला ऑट नंबर क्या होता है नाइन होता है तो नाइन फोर माइनस करें तो कितना आ जाएगा फोर्टीन माइनस नाइन होता है फाइव वन कैरी लेंगे तो सेवन बचेगा तो सेवन सेवनटी फाइव अब नेक्स्ट सिक्स स्टेप में क्या हो जाएगा सेवनटी फाइव हम लिख लेते हैं नीचे इसमें से हमें कितना माइनस करना है इलेवन माइनस करना है इलेवन माइनस करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा सिक्सटी फोर मिल जाएगा हम तब तक सब ट्रैक्ट करते जाएंगे जब तक हमें जीरो ना मिल जाए है ना तो यहाँ पे सेवन स्टेप में सिक्सटी फोर को नीचे लेके आते हैं माइनस फिर थर्टीन इलेवन के बाद थर्टीन आता है तो यहाँ से माइनस करोगे आप तो कितना आ जाएगा फोर माइनस थ्री वन हुआ और सिक्स माइनस वन फिफ्टी वन हो गया एट्थ स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा फिफ्टी वन को हम लेके आते हैं नीचे इसमें से माइनस करेंगे थर्टीन के बाद वाला नंबर और नंबर फिफ्टीन होता है फिफ्टीन माइनस करेंगे तो फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन सिक्स आया और यहां से फोर में से वन गया तो थ्री आया थर्टी सिक्स अगेन नाइन्थ स्टेप में हमें थर्टी सिक्स में से कितना माइनस करना है 17 करना है अब यहां से करोगे तो आप देखो 19 मिलेगा और लास्ट स्टेप में आप नाइनटीन नाइनटीन में से क्या सेवनटीन के बाद वाला नंबर क्या होता है नाइनटीन नाइनटीन होता है तो नाइनटीन माइनस नाइन नाइनटीन जीरो हो गया तो आपको देखो फाइनली जीरो मिल गया कितने स्टेप्स में भी जीरो मिला दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हमें कितने स्टेप में जीरो मिला टेन स्टेप्स में तो हंड्रेड का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा टेन हो जाएगा कितने स्टेप्स में हमें आंसर मिलता है बच्चों वो हमारा आंसर होता है तो हम आंसर में लिख देंगे आंसर में लिख देंगे सिंस वी गॉट जीरो नंबर वाला जीरो लिख लेते जीरो आफ्टर टेन स्टेप्स Therefore, under root of 100 will be what? 10 आई होप क्वेश्चन का सोल्यूशन तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है इस क्वेश्चन को चलो नेक्स्ट वाला एक साथ करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है ठीक तो चलो लेट्स चेंज द कलर फर्स्ट और यहाँ पे सेकेंड वाले को सॉल्व करते हैं इसको 169 को फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे वन में से क्या माइनस करेंगे वन माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा मिलेगा चलो सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे को नीचे लिखेंगे और थ्री को माइनस करेंगे है ना नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है थ्री है तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा वन सिक्सटी फाइव मिलेगा थर्ड स्टेप में क्या करेंगे 165 को नीचे लाएंगे और 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ से 160 मिल जाएगा सिंपली 5 माइनस फाइव जीरो हो जाएगा तो फिर फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे 160 को नीचे लाते हैं इसमें से माइनस करते हैं किसको सेवन को नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस करने हैं ना तो ऑड नंबर को माइनस करेंगे तो सिक्सटी माइनस सेवन होता है 53. तो 153 हो गया नेक्स्ट फिफ्थ वन फिफ्टी थ्री को नीचे लेके आते हैं और माइनस करते हैं किसको नाइन को तो यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन तो यहाँ मिला फोर और यहाँ भी हो गया फोर वन फोर्टी 4 हो गया next, step, step में क्या करेंगे 144 लिखेंगे और इलेवन माइनस करेंगे है ना नाइन के बाद इलेवन आता है क्योंकि तो ये हो जाएगा वन थर्टी थ्री सेवेंथ स्टेप में वन थर्टी थ्री को नीचे लिखते हैं और थर्टीन को माइनस करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा थ्री माइनस थ्री जीरो और थ्री माइनस वन टू होगा 120 मिल गया एट स्टेप में हमारा क्या होगा 120 को नीचे लिखेंगे और फिर, 13 के बाद वाला 15 नंबर है तो 15 लिखा तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो सिंपली 105 मिलेगा हमें नाइन्थ स्टेप में हम क्या करेंगे थोड़ा ऊपर लिख लेती हूँ ना नाइन्थ स्टेप यहाँ से लिखते हैं नाइन्थ स्टेप में हम क्या करेंगे वन हंड्रेड मिला हुआ है इसमें हमें 17 माइनस करना है 17 minus करेंगे तो कितना हो जाएगा आया और में 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 से गया 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 तो 8 आ गया, 88 आ गया. 10th step में हम क्या करेंगे 10th step में 88 को नीचे लिखेंगे और सेवनटीन के बाद वाला ऑड नंबर नाइनटीन होता है तो नाइनटीन माइनस करेंगे तो यहाँ नाइन आया और सेवन माइनस वन कितना हो गया सिक्सटी नाइन हो गया ओके अब इलेवेंथ स्टेप में ऐसे करते जाना है जब तक हमें जीरो ना मिल जाए है ना तो माइनस नेक्स्ट क्या होगा ट्वेंटी यहाँ से हमें ट्वेंटी वन में क्या मिल गया नाइन माइनस वन हो गया हमारा एट और सिक्स माइनस टू हो गया हमारा फोर्थ तो फोर्टी एट मिल गया यहाँ पे ट्वेल्थ स्टेप में हमारा क्या आ गया फोर्टी एट वो नीचे लिखेंगे और इसमें से माइनस करेंगे हम कितना इसमें से माइनस करेंगे हम ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी वन के बाद वाला ऑड नंबर ट्वेंटी थ्री है ना अच्छा वन के बाद थ्री रहता है इसको याद रखना तो ट्वेंटी वन के बाद ऑब्वियसली ट्वेंटी थ्री होगा तो एट माइनस थ्री कितना हो गया फाइव हो जाएगा और फोर माइनस टू हमारा ट्वेंटी फाइव हो गया थर्टींथ स्टेप में हम क्या करेंगे ट्वेंटी फाइव आंसर है और माइनस करेंगे ट्वेंटी थ्री के बाद का नंबर क्या होगा हमारा ट्वेंटी फाइव ही होगा तो देखो मिल गया हमें एट दी एंड जीरो मिल गया है ना तो जब तक आपको अच्छा और लास्ट में यदि आपको जीरो नहीं मिलता है कोई नेगेटिव नंबर मिल जाता है या जीरो uh, नहीं मिलता है तो समझ जाना कि बीच में कहीं सपराक्षण में कुछ मिस्टेक हुई है ओके ये तो फॉर श्योर sure हमको लास्ट में जीरो मिलना ही है ओके तो जीरो मिल गया यदि परफेक्ट स्क्वायर होता तो लास्ट में जीरो मिलता ही है कितने स्टेप्स के बाद हमें जीरो मिला थर्टीन स्टेप्स के बाद तो आंसर में हम क्या लिख देंगे मिल गया हमें वन सिक्सटी नाइन का किसका स्क्वायर होता है थर्टीन का स्क्वायर होता है तो वी गॉट

तो ये हो, आ, ये क्वेश्चन मतलब रिपीटेड सब्ट्रेक्शन subtract, वाला इंपॉर्टेंट है तो आपको बनना जरूर चाहिए प्रैक्टिस जरूर करना ओके आई होप यू गॉट द सेम आंसर सेकंड वाला पार्ट जो आपने मेरे साथ किया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आज तो मैं हम तीन ही क्वेश्चन करने वाले थे इस एक्सरसाइज के तो इसी के साथ हमारा सेशन यही एंड होता है बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर फोर से स्टार्ट करेंगे टिल देन टेक केयर की प्रैक्टिसिंग मैथ्स है ना मैथ्स रिक्वायर्ड प्रैक्टिसिंग चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर बाय